I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Good morning everyone, मैं हूँ रोहित और welcome back to my channel. आज एक और है नया दिन. आज है मेरा सैन फ्रांसिस्को में लास्ट दिन. भाई वरद, अगर तू देख रहा है तो तुझे बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज मुझे अब लगता है अगर तू नहीं होता और हम गाड़ी रेंट नहीं करते तो मैं इतना सारा पार्ट सैन फ्रांसिस्को का कवर नहीं कर सकता था. अब ऐसा है कि भाई मेरी किस्मत समझो या अच्छा डिसीजन समझो, मैं 10 तारीख मतलब कल ही यहाँ से निकलने वाला था, पर पता नहीं क्या जोश आया मैंने 11 तारीख डाल दिया. तो मेरी बस जो है यहाँ से एले की वो यहाँ वो आज नहीं है, वो कल है. तो मेरे पास एक और दिन बच गया है सैन फ्रांसिस्को घूमने का. अब जिस काम से मैं सैन फ्रांसिस्को आया था वो काम अभी भी पेंडिंग है, तो आज हर हाल में मैं वो जगह जाऊंगा, बिकॉज कल मैं चले जाऊंगा और ये मौका पता नहीं दोबारा कब मिलेगा. अब ऐसा है कि आज मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ, अब बज रहे करीब 8:30 सुबह के. मुझे अभी 2 बस एक ट्रेन चेंज करना है. अभी सबसे पहले तो मैं जा रहा हूँ स्टैनफोर्ड विजिटर सेंटर, मतलब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बिकॉज वहाँ पे 2 म्यूज़ियम है, आर्ट म्यूज़ियम, जहाँ मुझे जाना है. उसके बाद चलूँगा मेन जगह. अभी वहाँ से मतलब मुझे टनल दिख रहा है उसके उस पर से मुझे बस पकड़ना है. तो एक बस और एक ट्रेन चेंज करने के बाद मैं पहुँच गया हूँ पालो आल्टो स्टेशन. अब ये जो मेरे पीछे बस है ये मुझे ले जाएगी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. तो एक और बात, अगर आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना है तो पालो आल्टो स्टेशन से फ्री बस चलती है. चलते हैं. मैं पहुंच गया हूँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. जब मैं HP के इस पे गया था गैरेज के वहाँ पर, तो मुझे वहाँ पे कोई मिला था, उन्होंने कहा था कि अगर टाइम मिला तो इस 2 म्यूज़ियम में ज़रूर जाना. तो बस टाइम मिला तो अब जा रहा हूँ. तो विलियम हैवलेट और डेविड पैकर्ट दोनों यहीं के स्टूडेंट थे और ये दोनों वही हैं जिन्होंने HP बनाया था. अब विजिटर सेंटर यहीं कहीं है, लेकिन यार कुछ भी बोलो बहुत अच्छा कैंपस है. मेरे पीछे है ये एक टेनिस स्टेडियम, यहाँ से एक्सेस है, जाकर देखता हूँ. ज़ार सा निकाल देगा अगर परमिशन, अगर अलाउड नहीं होगा तो. और क्या, तो मैं आ गया हूँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टेनिस स्टेडियम में. ये पूरा स्टेडियम है. अब ये पता नहीं कौन सा स्टेडियम है, बट ट्रैक बना हुआ, मतलब यहाँ पे रनिंग होता है और यहाँ पे स्कोर आता है. एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था 1884 में, और ये इनके कुछ चैंपियंस के नाम है. ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स के नाम, वो स्टैनफोर्ड ओलंपियंस और वो NCAA चैंपियंस. NCAA चैंपियंस क्या होता है मुझे नहीं पता है, माफ़ करना, बट बाकी 2 का मतलब तो मैं समझ गया हूँ. तो वो है कैंटोर आर्ट सेंटर, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ. ओके, यहाँ पे तो बेसिकली ये एक आर्ट म्यूज़ियम है. आई होप खुला हो, बिकॉज मैं सुबह सुबह आ गया हूँ. तो म्यूज़ियम अभी खुला नहीं है, 11 बजे म्यूज़ियम खुलता है ये, और अब बज रहे 10:50, मतलब 10 मिनट में खुलना चाहिए. 10 मिनट यहाँ मैं चिल मारता हूँ. तो म्यूज़ियम खुल गया है और वहाँ आ रहा है पब्लिक का झुंड बहुत बड़ा. इससे पहले पब्लिक आ जाए मैं अंदर चले जाता हूँ. मुझे कहा गया मैं अपना कैमरा यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना ट्राइपॉड यूज़ नहीं कर सकता हूँ. और मुझे कहा गया बैग में ऐसा रख लूँ कि अगर मैं पीछे पहनूँ और मैं घूमा तो मैं कुछ चीज़ तोड़ सकता हूँ. और मैं अभी जहाँ पर हूँ यहाँ पे सब बुद्धा से रिलेटेड आर्ट है. देखता हूँ. ये जो देख रहे हो ये एक वॉरियर का शील्ड है, मतलब जब वॉर पे जाते हो जो आगे शील्ड होता है ना, ये वो है. ये है काली मंतान, जो है इंडोनेशिया में.
इस रूम में जितने भी आर्टिफैक्ट्स रखे हैं ये सब चाइना से, ये मार्बल है मेरे ख्याल से, हाँ ये सब मार्बल है। वो था एक म्यूज़ियम, अब बगल में ही एक और म्यूज़ियम है, वहाँ मैं जाऊँगा। तो फर्स्ट म्यूज़ियम भी हो गया, सेकेंड म्यूज़ियम भी हो गया। फर्स्ट म्यूज़ियम मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा, सेकेंड मुझे मज़ा नहीं आया, बिकॉज वो म्यूज़ियम में सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग्स थे और मैं इतना पेंटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो आपको सेकेंड म्यूज़ियम भी पसंद आएगा। अब मुझे लगी है बहुत सारा भूख। अब सीन ऐसा है कि यहाँ आप कहीं पे भी कुछ भी खा लो, आपका $10 का बिल बनने ही वाला है, मतलब करीब 700 रुपये का बिल आपका बनने ही वाला है। अब भले सबवे में जाऊँ, भले मैकडॉनल्ड्स में जाऊँ, भले KFC में जाऊँ, 700 खर्चा होने ही वाला है। इससे अच्छा मैं प्रिफर करता हूँ किसी मैक्सिकन रेस्टोरेंट में जाऊँ, खाना बहुत ज़बरदस्त होता है, थोड़े मसाले होते हैं और भर पेट खाना मिलता है। तो हो गया मेरा मैक्सिकन खाना भी। मैं आया था यहाँ पर लास्ट सालसा करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर, मतलब मैक्सिकन खाना ना हो तो यहाँ पे भाई मैं जी ना पाऊँ, ऐसा सीन है। तो मैं आ गया हूँ फाइनली गूगल के हेडक्वार्टर्स में। अब सीन ऐसा है कि मेरे पीछे जितना भी बिल्डिंग है वो पूरा एरिया, वो पूरा गूगल का एक्चुअल कैंपस है, बट वहाँ पर विजिटर्स अलाउड नहीं है। बट इस बार भी गूगल का ही कैंपस है। तो यहाँ से एक रोड गया है वहाँ पर जहाँ पे पूरा एंड्रॉयड का स्टैचूज बना हुआ है, वहाँ विजिटर्स अलाउड है, वहाँ जाकर आप फोटो वगैरह खींच सकते हो। तो चलते हैं वहाँ पर। ओके, मुझे क्रीक क्रॉस करना है, ये है क्रीक, मुझे क्रीक क्रॉस करके लेफ्ट मारना है। सबसे फनी बात यह है कि मैं गूगल का ऑफिस ढूंढने के लिए गूगल मैप्स ही यूज़ कर रहा हूँ। फनी भी नहीं बोलूँगा, मतलब बोलूँगा ये पावर है उस कंपनी का कि हमारे लाइफ में इतना बड़ा उसका इन्फ्लुएंस है कि उसके बिना अब काम चल सकता ही नहीं है, मतलब इतना बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया उसका। तो मैं बोलूँगा भाई यही कंपनी एक सक्सेस होता है कि आप लोग के लाइफ में इतना घुस जाओ कि लोग कि वो एक आदत बन जाए और उसके बिना उनका काम भी ना हो। सेम जैसे गूगल ने हमें हमारे लाइफ पे कंट्रोल कर लिया, ऐसे भी अब फेसबुक इंस्टाग्राम भी कंट्रोल कर रहा है। ये है पीछे विजिटर सेंटर, सब पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है अंदर जाना, बट अगर आपका कोई फ्रेंड है गूगल में तो आप उसके साथ अंदर जा सकते हो, आपको एक बैज मिलेगा गूगल का और आप कैंपस घूम सकते हो। तो कोई बात नहीं, इस बार अपने नसीब में सिर्फ एंड्रॉयड का स्टैचूज देखना लिखा है, वो देखेंगे। उसके बाद एक सबसे खास चीज़ के लिए जाऊँगा जिसके लिए मैं सैन फ्रांसिस्को एक्चुअल में आया हूँ। तो मेरे पीछे है गूगल के सारे, मतलब एंड्रॉयड के जितने भी वर्जन है उसके स्टैचूज, मार्शमेलो है, किटकैट है, मतलब सब कुछ सबका स्टैचूज बना हुआ है। तो बस यहाँ पर ही, मतलब इतना ही एक्सेस है। एक्चुअली देखा जाए तो आप यहाँ पे गूगल की साइकिल लेके भी घूम सकते हो, बट आप अपने उतना टाइम नहीं है। अभी प्लान में है थोड़ा सा चेंज, मैं डायरेक्ट जहाँ जाने वाला था वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। यहाँ पर है बस थोड़ी दूर पे नासा का एक और विजिटर सेंटर था, एक म्यूज़ियम है। तो वहाँ पर मून के रॉक का सैंपल रखा हुआ है, ये मुझे गूगल पे मालूम पड़ा, मतलब गूगल के ऑफिस में मैं गूगल का ही प्रोडक्ट यूज़ करके नासा में क्या है वो पता कर रहा हूँ। तो बस एक बार ज़रा वहाँ चलते हैं, शाम होने आई है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम बिताऊँगा नहीं ना उस नासा के म्यूज़ियम में, फटाफट निकलूँगा बिकॉज कल मैं जा रहा हूँ वापस से LA। तो चलते हैं नासा। तो गूगल बोलता है कि आज नासा का रिसर्च सेंटर जो है वो है बंद। अब गूगल में आके गूगल की बात ना माना तो ये अच्छी बात नहीं है ना, शायद जनाजा कैंसिल। अगर आप लोग कभी यहाँ पर आओ तो ज़रूर जाना, मेरा ऐसे ये लास्ट ट्रिप नहीं है US का, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब मैं जाऊँगा। अब चलते हैं इस्कॉन टेम्पल। अभी आप लोग बोल रहे भाई ये मंदिर क्यों जा रहा है, मैं भाई भगवान विवन से थोड़ा अलग आदमी हूँ, अब मैं उसमें ज़रा विश्वास रखता नहीं, लेकिन मैं जा रहा खास रीज़न की वजह से। तो चल के वो रीज़न बताता हूँ। मैं हूँ इस्कॉन टेम्पल में, मतलब उसके बाहर खड़ा हूँ मैं। ये वो टेम्पल है जिसने एक इंसान को मेरे ख्याल से 1970s के मिड की या एंड की बात है, उस इंसान को 3 महीना हेल्प किया गुजारा करने में। मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स की। हुआ ये था कि जब स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट हो गए थे तो वो स्पिरिचुअलिटी के तलाश में इंडिया गए थे। इंडिया में गए थे हल्द्वानी के एक मंदिर में जिसका नाम है कैची धाम, जहाँ मैं अपने नेपाल ट्रिप से जब आ रहा था वहाँ मैं जा चुका हूँ, उसका मैं
लिंक मतलब वो आई बटन में डाल दूंगा, तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो व्लॉग देख लेना। तो उस जगह ने एप्पल कंप्यूटर्स को जन्म दिया था, मतलब इस नाम को जन्म दिया था। उसके बाद जहाँ तक मुझे कहानी याद है, 3 महीना स्टीव जॉब्स ने इस मंदिर में गुजारा था, बिकॉज हर संडे को यहाँ फ्री फूड मिलता था। तो मतलब मैं अभी एक ना एक वीडियो प्ले करता हूँ, ये वीडियो देखो। I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. तो बस वो एक रीज़न था जहाँ मैं यहाँ, जिस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। अब दूसरी जगह जाऊँगा जहाँ पे एप्पल कंप्यूटर्स का जन्म हुआ था। मैं जा रहा हूँ स्टीव जॉब्स के गैरेज में। बस ये रीज़न है मैं यहाँ आया था यार। मैं स्टीव जॉब्स को बहुत मानता हूँ और बस अपने लिए एक मोटिवेशन मैं ढूंढ रहा हूँ। मतलब मेरा जब मैं एप्पल गैरेज चले जाऊँगा, मेरा मतलब समझ लो सैन फ्रांसिस्को आना सवार्थ हो गया। अब चलता हूँ स्टीव जॉब्स गैरेज पे। अब ऐसा है कि सैन फ्रांसिस्को के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड रहते नहीं है। सीधा बुक करता हूँ अभी उबर और जाता हूँ स्टीव जॉब्स गैरेज पे, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ का बहुत ही स्लो है। उबर मारता हूँ और चलता हूँ मैं। तो मतलब उबर भी धोखा दे रहा है। मैंने उबर बुक किया, कम से कम 15 मिनट रुका भी, बोल रहा है कि वॉक टू द पिकअप पॉइंट। मैं पिकअप पॉइंट मतलब मेरा मैप पे दिखाई नहीं रहा है। मैंने उसको ड्राइवर को कॉल किया, ड्राइवर बोलता है कि आई एम अनेबल टू फाइंड यू एंड आई कांट इवन कैंसिल, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द उबर ऐप। वो भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मैं भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। वही अब आया हूँ बस के पास। आई होप एक बस आ जाए, बिकॉज सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है यार। मतलब क्या बोलो भी यार। वापस उबर बुक करना कोशिश किया, बट सेम इशू हो रहा है। बोला वॉक फॉर 2 मिनट्स ऑन दैट, मतलब वो साउथ वेस्ट कॉर्नर, वहाँ गया, फिर भी कोई गाड़ी नहीं आया। बस के पास रुका, मतलब अंधेरा हो गया यार, पता नहीं कब पहुँचूंगा मैं। और बस भी 1 घंटा दिखेगा, मतलब जब पहुँचूंगा तब तो ऑलमोस्ट पूरा डार्क हो गया रहेगा यार। देखते, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वैसे ही वेट कर सकता हूँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास यार। बस तो मिली, लेकिन बस ने किसी अजीब से जगह पे उतारा है, मतलब क्या बोलूँ मैं। अंधेरा भी हो गया पूरा। आज का दिन अच्छा गया बुरा मुझे मतलब क्या बोलूँ, पता नहीं यार। देखते हैं, थोड़ा और जुगाड़ लगाता हूँ मैं। बट आज कैसे भी वो गैरेज पे जाऊँगा ही मैं, उतना तो मैं सोच लिया हूँ। नहीं तो उसके बिना मैं कल LA नहीं जा रहा हूँ, इतना भी मैं पक्का है। कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ मैं, देखता हूँ। तो मैं पहुँच गया उस जगह पे जहाँ पे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। मेरे पीछे जो वो गैरेज है, वो गैरेज ने जन्म दिया था एप्पल कंप्यूटर्स को। फुटेज थोड़ा बहुत ग्रेनी दिखेगा, बिकॉज मैं आई गेस 1,28,000 ISO पे शूट कर रहा हूँ ये चीज़। ये सोनी का पावर एक्चुअली। तो मैं, ये गैरेज है जहाँ सब कुछ स्टार्ट हुआ था। और खुशी भी हो रही है, नहीं भी खुशी हो रही है, मैं क्या बोलूँ पता नहीं। शायद मैं रात को आया हूँ इसीलिए ऐसा मुझे फील हो रहा है। बट हाँ, एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई अब सैन फ्रांसिस्को आना सवारत हुआ है। मतलब इस गैरेज का मैंने कितना सारा डॉक्यूमेंट्री देखा है। हर अगर आप स्टीव जैसा कोई भी डॉक्यूमेंट्री देख लो, इस गैरेज का जिक्र है उसमें। अभी चलता हूँ, रात हो रहा है, मतलब एरिया में ज़्यादा लाइट है भी नहीं, और प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऊपर से मैं चलता हूँ अब मेरे होस्टल घर पे। कोई रिस्क नहीं चाहिए भाई, सुनसान एरिया ये। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं फिर से LA में।